हेलो एवरीवन, दिव्या सुपर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं रेड सॉस पास्ता बनाऊंगी। रेड सॉस पास्ता बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा इंडियन तरीके से करके बनाऊंगी। और ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, इसको बनाना बहुत आसान है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए देख लेते हैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। ये मैंने 2 कप मैंने पास्ता लिया है, आप चाहो तो कोई भी पास्ता ले सकते हो। और ये 4-5 मैंने टमाटर लिए हैं, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 4-5 कश्मीरी रेड चिली को लेकर मैंने तोड़ के और इसके सीड्स निकाल दिए हैं, और ये 1 छोटा प्याज को मैंने बारीक चॉप किया है, और 2 चम्मच मैंने ये टमाटर केचप लिया है, और 4-5 लहसुन को मैंने बारीक चॉप किया है, और 1/2 चम्मच मैंने ये चिली फ्लेक्स लिया है। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, और ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। मोज़रेला चीज़ कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। और ये मैंने मिक्स हर्ब लिया है, मिक्स हर्ब में सारे हर्ब्स आ जाते हैं, जैसे कि ओरिगैनो, बेजिल, पार्सले, तो आपको ज़्यादा कुछ दूसरे हर्ब्स डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सारे हर्ब्स मिल जाएंगे और ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। और इसमें मैंने ये पार्मेसन चीज़ लिया है, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और ये रिफाइंड ऑयल लेंगे पास्ता बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टमाटर को लेके और इसका ये जो आगे वाला पोर्शन है इसको ऐसे कट कर लेंगे, और पीछे के पोर्शन में ऐसे करके और ऐसे 4 भाग में पीछे से थोड़ा सा ऐसे कट लगाएंगे, और इसको पानी में बॉईल करने के लिए डाल देंगे। ऐसे ही सारे टमाटर को कर लेंगे, इधर से काटेंगे और पीछे साइड से ऐसे, और ऐसे कट लगा के और इसको बॉईल कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, और उसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है, और ये थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, और पास्ता को इसमें बॉईल कर लेंगे। इसको ढक देती हूँ, जब ये उबाल आने लग जाएगा फिर पास्ता डालेंगे। तो देखिए ये पानी में बॉईल आ गया है, अब मैं ये पास्ता को डाल देती हूँ। अब इसको 10 मिनट तक इसको पका लेंगे। 8 से 10 मिनट में ये पास्ता पक के रेडी हो जाता है। इसको 90% ही पकाना है, 10% इसको बाद में थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसको ढक देते हैं। तो जब तक ये पास्ता पक रहा है तब तक ये मैं टमाटर सॉस बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने ये पानी रख दिया है 1/2 लीटर, और इसमें मैंने ये रेड चिली डाल दिया है। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। अब इसको ढक देती हूँ। तो अब पानी ये बॉयल हो गया है, अब इसमें मैं ये टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस इसको 2-3 मिनट के लिए करेंगे। अब इसको ढक देंगे। इसमें मैंने थोड़ा ही पानी डाला है, क्योंकि इसी के साथ पानी के साथ मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। पास्ता हो गया है, अब मैं इसमें छन्नी में इसको छान लेती हूँ। देखिए ये अच्छी तरह से ऐसे बॉयल हो गए हैं, ये 10 मिनट में अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ऊपर से। अब इसको एक साइड में रख देते हैं तक इसका सॉस बना लेते हैं। तो ये जो पास्ता का पानी बच गया है छानने के बाद, इसको मैं रख देती हूँ। अभी पास्ता में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो देखिए 1-2 मिनट हो गए हैं, अभी इसका छिलका निकलने लग गया है, तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को, और इसका अब छिलका निकाल लेंगे, फिर मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए टमाटर अब ठंडा हो गया है, अब मैं इसका छिलका ऐसे निकाल लेती हूँ। इसमें ये इसका जो ऊपर वाला छिलका है उसको ऐसे निकाल लेंगे।
मैंने छिलका निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ देंगे। अब इसको मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ, और ये मिर्ची भी मैंने डाल दिया है जो पानी के साथ जो बॉईल किया था, और ये भी डाल देती हूँ। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब देख लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, क्योंकि इसमें मैंने जो कश्मीरी रेड चिली डाला था उससे इसका कलर बहुत अच्छा हो गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, और इसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और ये तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये जो लहसुन काट के रखा था वो डाल दे रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज को भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अब ये प्याज ब्राउन हो गया है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन। ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे इसको। और इसके बाद ये जो मैंने टमाटर सॉस का ये बनाया था, अब मैं ये टमाटर सॉस डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिला देंगे इसको। अब इसमें ये जो मैंने हर्ब्स रखा था ये भी डाल देती हूँ 1/2 चम्मच, और ये काली मिर्च का पाउडर भी डाल देती हूँ, और ये जो मैंने टमाटर केचप रखा था वो भी डाल देती हूँ। मैं ये टमाटर केचप डाल रही हूँ इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाला है, इससे ये थोड़ा सा स्वीट हो जाता है। इसको मिला देंगे, और फिर इसी में थोड़ा सा ये नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसको मिला लेंगे। अब इसको थोड़ा सा ढक के पका लेते हैं 1-2 मिनट। तो अब देख लेती हूँ। अब देखिए ये थोड़ा सॉस पक गया है, और बिल्कुल ये बहुत थिक हो चुका है, गाढ़ा हो गया है ये। तो अब मैं ये पास्ता जो मैंने छन्नी में छान के रखा था इसको मैं डाल देती हूँ। तो इसको मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं, बटर से भी इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। 1 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। अब देख लेती हूँ, 1 मिनट हो गए हैं। देखिए ये अच्छी तरह से अब ये पूरा थिक हो गया है, सॉस भी पक गया है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर देती हूँ। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। अब इसको सर्व कर लेंगे। मैं इसको सर्व कर देती हूँ। इसमें मैंने ये प्लेट ले लिया है, और इसमें मैं ये पास्ता को ऐसे रख देती हूँ पहले, ऐसे रख लेंगे पहले इसको। और इसके ऊपर फिर ये थोड़ा सा जो चीज़ था वो चीज़ को मैं इसे डाल देती हूँ, थोड़ा सा ये मोज़रेला चीज़ है। और फिर इसके ऊपर एक लेयर और ये पास्ता का डाल देती हूँ। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे ये मोज़रेला चीज़।
और फिर ये जो मैंने अमेजन चीज़ रखा था वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये बहुत टेस्टी लगता है, इसको थोड़ा सा ऐसे सजा देते। बस अब ये रेडी है। तो देखिए मैंने ये पास्ता को सर्व कर दिया है और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि इसमें मैंने जो ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया था इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है, और इसमें जो मैंने मोज़रेला चीज़ और पामेजन चीज़ का यूज़ किया है इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे कोई भी चीज़ का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। तो आप बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो अगर ये रेड सॉस पास्ता की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।